देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी भोपाल में सोमवार को कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 26 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 14 मरीज भोपाल में मिले। उधर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जाँच कराने का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को इंदौर पहुंचे और वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अभी प्रचार में कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, भगवा पर क्या सिर्फ भाजपा का पेटेंट है? हमारे यहाँ पुजारी प्रकोष्ठ बहुत पहले से है। मैंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हरदा जिले से दर्दनाक खबर है। यहां अपनी मां को लाली पहना योजना का फॉर्म भरवाने आया युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। हादसा खिड़किया रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हुआ जब युवक मां को दूसरे कोच में बिठाकर खुद कहीं और बैठने जा रहा था। प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इसी बीच बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 19 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ जिला कलेक्टर भी बदले गए हैं। तत्काल प्रभाव से उन्हें नवीन पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।